गुड मॉर्निंग. हम जो टॉपिक देख रहे थे यहाँ पर कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इस चैप्टर में हम यहाँ पर देख चुके थे कि क्रिप्टोगैम्स, व्हाट आर क्रिप्टोगैम. उसके बाद हमने देखा था व्हाट आर फैनरोगैम. दोनों में हमने जो फ़र्क था, डिफ्रेंसिएशन था, वो भी देख चुके थे. उसके बाद हम स्टार्ट किए थे कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ क्रिप्टोगैम. तो क्रिप्टोगैम्स में हमने देखा कि थ्री टाइप्स के थे. पहला हमने देखा थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा जो था वो टेरिडोफाइटा. तो ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा ये हम देख चुके हैं. सिर्फ इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रह गया है कि व्हाट आर ब्रायोफाइट्स या उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मतलब माशी लेवल पे इसका क्या इस्तेमाल होता है और क्यों हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. तो हमको ये जानने के लिए ये एक यूनिट है, ये आप लोगों को इंक्लूड की गई है. दैट इज़ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट. अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स अगर हम देखें या हम क्यों स्टडी कर रहे हैं अगर हम ये देखें, तो इसमें सबसे पहला है इट प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स. इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब कहाँ पर ग्रो हो रहा है, शेडी प्लेसेस पर या मॉइस्ट प्लेसेस पर, मतलब ये ज़मीन के ऊपर जहाँ पर नमी होती है वहाँ ग्रो हो रहा है. तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, फूड फॉर एनिमल्स. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज़मीन पर जो भी नबातात उगते हैं, तो जो जानदार होते हैं, जानवर होते हैं, जो उसको क्या कहते हैं, एज ए फूड इसको यूज़ करते हैं या उसको खाते हैं. तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहला एनिमल को फूड प्रोवाइड कर रहा है. के बाद सेकंड जिसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इट इज़ यूज फॉर पैकिंग मटेरियल्स. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस पर ग्रो हो रहा है और ये वाटर को अपने अंदर बहुत ज़्यादा कंजर्व करके रखता है, स्टोर करके रखता है. तो जब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट उनका किया जाता है, ले जाया जाता है, किसी भी गाड़ी वगैरह में जब रख कर या बॉक्स में रख कर ले जाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है. अगर वहाँ पर पानी कम हो गया तो वो चीज़ें सड़ने का खतरा होता है, जैसे फ्रूट्स वगैरह. तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जो मॉसेस होते हैं या जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसके अंदर डाल देते हैं. क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब क्या होता है, वाटर बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं. तो अल्टीमेटली हम उसके अंदर जो फ्रूट्स वगैरह यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं दूर दराज के इलाके में, तो उनको सड़ने से बचाने के लिए वहाँ पर वाटर का इस्तेमाल ना करते हुए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उन ब्रायोफाइट्स को उनके साथ रख सकते हैं, उनको पैक कर सकते हैं उस बॉक्स के अंदर, और फिर वो क्या होगा, वो फ्रूट जो है वो सड़ेगा नहीं. तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल. मतलब जब पैकिंग होती है तो उस वक्त क्या किया जाता है, फ्रूट्स को या जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, उनको क्या किया जाता है, इन ब्रायोफाइट्स के साथ मिक्स करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है. के बाद नेक्स्ट, इट इज़ सॉइल बाइंडर्स. मतलब क्या हुआ, सॉइल बाइंडर. बाइंडर का मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ के रखने वाला, उसको हम कहेंगे बाइंडर. तो अब ये क्या करता है, ब्रायोफाइट्स अब कहाँ पर ग्रो हो रहा है, सॉइल के ऊपर ग्रो हो रहा है. तो अब नो डाउट ये क्या करेगा, जो उसकी जड़ें होगी या राइजोइड्स होगी, वो क्या करेगी, सॉइल को पकड़ के रखती हैं. अब जब ये पकड़ के रखती हैं तो बारिश होगी या सॉइल इरोजन होता है. मतलब क्या होता है कि जब सॉइल के बारीक बारीक टुकड़े होते हैं वो हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जब राइजोइड सॉइल को वहाँ पर पकड़े हुए रहेगी तो क्या होगा, वो जो मिट्टी के टुकड़े हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं आने जाने पाएंगे. तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है, एक तो सॉइल को बाइंड करके, मतलब क्या कर रहा है, पकड़ के रख रहा है, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का मतलब क्या हुआ कि जो मिट्टी के ज़र्रात हैं अगर हवा से एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, सॉइल इरोजन कहेंगे. तो ये सॉइल इरोजन को भी रोक रहा है और क्या कर रहा है, यहाँ पर सॉइल बाइंडिंग का भी काम कर रहा है. इस तरह से ये हुआ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट. इनमें हमने थ्री पॉइंट देखे. पहला हमने देखा इट प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स, दूसरा देखा हमने इट इज़ यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल्स, और थर्ड हमने देखा इट इज़ यूज्ड एज ए सॉइल बाइंडर्स और इट प्रिवेंट द इरोजन. उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, जो क्रिप्टोगैम्स का थर्ड ग्रुप है, दैट इज़ टेरिडोफाइटा, ये स्टार्ट करेंगे. अब व्हाट आर टेरिडोफाइट या टेरिडोफाइटा, हम किसको कहेंगे. तो सबसे पहले हम उसका लफ्जी मानी देखते हैं कि क्या है टेरिडोफाइटा. अब टेरिडोफाइटा ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक है टेरॉन और दूसरा है फाइटॉन.
अब यहाँ पर हम देख चुके हैं कि टेरॉन जो है इसका मतलब क्या होता है, फीडर। फीडर किसको कहेंगे? पर। जो हम देखते हैं जो बर्ड्स होते हैं उनका पर होता है जो, तो उस पर की तरह अगर प्लांट बॉडी हमको दिखाई दे रही है तो उसको हम कहेंगे टेरॉन। टेरॉन का मतलब होता है फीडर और फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट, मतलब ऐसा प्लांट जिसकी जो प्लांट बॉडी होती है या बॉडी जो है वो फीडर लाइक दिख रही है, एक पर की तरह दिख रही है अगर अपीयरेंस में, तो हम उसको क्या कहेंगे? टेरिडोफाइट्स कहेंगे। तो यहाँ समझ में आया कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनकी बॉडी जो होती है वो किसके जैसा दिख रही है, पर के जैसा या फीडर की जैसी दिख रही है, तो उसको हम कहेंगे टेरिडोफाइट्स। उसके बाद हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अभी तक हम देख रहे थे कि जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं ये क्या होता है, इनको डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते रूट स्टेम और लीफ में, लेकिन यहाँ पर टेरिडोफाइट्स ये फर्स्ट ऐसे लैंड प्लांट्स हैं या ऐसे क्रिप्टोगैम्स हैं जिनका हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं रूट स्टेम और लीफ के अंदर, मतलब जो इनका जड़ तना और पत्ते होता है इसके अंदर हम उसको तकसीम कर सकते हैं या उसको हम बता सकते हैं कि इस प्लांट बॉडी को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो आप देखेंगे हम कि इसके पास जो रूट्स होती है वो टू टाइप्स की रूट होती है, एक होती है एडवेंटिशियस रूट और दूसरी होती है प्राइमरी रूट। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, अब ये हम कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेज होती है, मतलब ये सबसे पहला प्लांट है जिसके पास रूट प्रेजेंट है, तो अब इसमें भी रूट क्या होती है, किसी किसी प्लांट में अगर देखें हम तो प्राइमरी रूट होती है, दूसरे प्लांट में देखें तो एडवेंटिशियस रूट्स होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल यहाँ पर अगर हमको राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ये रूट है। अगर हम आगे चलकर अभी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म देखेंगे तो आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में आएगा कि टेरिडोफाइट्स की रूट जो होती है वो डिफरेंट होती है और जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब जो बड़े प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती है वो क्या होती है, अलग होती है। तो इसीलिए इनको कह रहे हैं प्राइमरी रूट और एडवेंटिशियस रूट। उसके बाद देखेंगे इट ग्रोज ऑन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ पर ग्रो हो रहा है, ऐसी जगह पर जहाँ पर नमी है, मतलब जो नम प्लेसेस है वहाँ पर वाटर की कंडीशन है। ये सॉइल के ऊपर तो ग्रो हो रहा है लेकिन कैसी कंडीशन में, मॉइस्ट और शेडी, जहाँ पर साया होता है वैसी ज़मीन पर क्या होता है, ये ग्रो होता है। उसके बाद इनकी जो लाइफ साइकिल होती है इसमें टू स्टेजेस होती है, जिस तरह से हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था कि इनकी लाइफ साइकिल जो होती है कंप्लीट होती है टू स्टेप्स में, एक होती है स्पोरोफाइटिक स्टेज और दूसरी होती है गैमेटोफाइटिक स्टेज। तो यहाँ पर एक डिफ्रेंसिएशन ये है कि हमने ब्रायोफाइट्स में पहले पढ़ा था कि इनकी लाइफ साइकिल टू स्टेजेस में तो होती है, लेकिन फर्स्ट स्टेज वहाँ हमने देखी थी गैमेटोफाइटिक स्टेज और दूसरी हमने देखी थी स्पोरोफाइटिक स्टेज। लेकिन यहाँ पर क्या डिफ्रेंसिएशन हमको दिख रहा है कि यहाँ पर पहले कौन सी दिख रही है, स्पोरोफाइटिक स्टेज, और दूसरी कौन सी दिख रही है, गैमेटोफाइटिक स्टेज। मतलब इसके अंदर कौन सा फेज डोमिनेंट होगा या ज़्यादा देर के लिए रहेगा, जो पहला फेज है। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइटिक स्टेज, मतलब ऐसा प्लांट जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइटिक। और गैमेटोफाइटिक मतलब ऐसा प्लांट जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम कहेंगे गैमेटोफाइटिक प्लांट या गैमेटोफाइटिक स्टेज। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है ये लॉन्गर पीरियड के लिए रहती है और ज़्यादा टाइम के लिए रहती है। उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, स्पोरोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट। यहाँ पर अभी मैंने बताया कि ये क्या होती है, ज़्यादा टाइम के लिए ये स्टेज रहती है उनकी लाइफ साइकिल में, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, डोमिनेंट। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ, ऑटोट्रॉफिक मतलब अगर प्लांट अपना फूड मटेरियल खुद से प्रिपेयर कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक, सेल्फ प्रोड्यूसिंग प्लांट। देन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जब प्लांट अपना फूड मटेरियल खुद से प्रिपेयर कर रहा है तो वो किसी दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंड नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो इस तरह से इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइटिक फेज होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले तो ये क्या है, डोमिनेंट है। उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट, डेट इज
ऑटोट्रॉफिक है, एंड देन थर्ड इज इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी और के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके पास जो होती है लीफ, टू टाइप्स की लीफ होती है, एक को कहते हैं माइक्रोफिल्स, दूसरे को कहते हैं मैक्रोफिल्स। अब यहाँ पर दोनों में क्या फर्क है माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स में? माइक्रो का मतलब होता है बहुत स्मॉल, टाइनी। तो स्मॉल कलर की अगर लीफ हमको दिखेगी, स्मॉल जो है ब्राउन कलर की लीफ अगर प्लांट के ऊपर दिखेगी तो हम उसको क्या कहेंगे, माइक्रोफिल्स कहेंगे। और अगर मैक्रोफिल्स का, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो चीज़ हमेशा जो होती है क्या होती है, लार्ज होती है, और माइक्रो जो होती है वो क्या होती है, स्मॉल टाइनी चीज़ को कहते हैं माइक्रो। तो यहाँ पर इस प्लांट के पास अगर हम देखें टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनके पास टू टाइप्स की लीफ होती है, एक होती है माइक्रोफिल, दूसरी होती है मैक्रोफिल। तो माइक्रो जो होती है वो स्मॉल तो है, उसके साथ उसका कलर क्या रहेगा, ब्राउन कलर की रहेगी ये लीफ। उसके साथ जो है यहाँ मैक्रोफिल्स जो होती है ये लार्ज लीफ है और उनका कलर जो होता है हमेशा क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। जो मैक्रो लीव्स होती हैं या फोलिएज लीव्स इसको कहते हैं और अदर वर्ड्स में, तो इसका कलर जो होता है हमेशा क्या होता है, ग्रीन। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट। इसमें हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले मीनिंग ऑफ टेरिडोफाइट। तो मीनिंग ऑफ टेरिडोफाइट्स क्या है, ऐसा प्लांट जिसकी बॉडी कैसी हो, फीदर लाइक हो, उसको हम कहेंगे टेरिडोफाइट। देन इसके बाद ये फर्स्ट प्लांट है जिसके पास क्या है, ट्रू रूट स्टेम और लीफ प्रेजेंट है। फिर उसके पास जो रूट्स होती है वो टू टाइप्स की है, एक होती है प्राइमरी रूट, दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट। देन ये कहाँ ग्रो होता है, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस के ऊपर हमेशा ग्रो होता है। देन इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो टू स्टेप्स में कम्प्लीट होती है, एक होती है स्पोरोफाइटिक स्टेप और दूसरी होती है गैमेटोफाइटिक स्टेज। स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होती है हमेशा डोमिनेंट होती है, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। उसके बाद ये क्या है प्लांट, ऑटोट्रॉफ है, मतलब अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर करता है। देन इनडिपेंडेंट, अब ये फूड प्रिपेयर कर रहा है तो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। देन इसके पास टू टाइप्स की लीफ होती है, एक होती है माइक्रोफिल्स, दूसरी होती है मैक्रोफिल, मतलब एक होती है स्मॉल दूसरी होती है लार्ज। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये प्लांट जो है उसकी एग्जांपल जो है यहाँ पर नेफ्रोलेपिस है। नेफ्रोलेपिस ये प्लांट जो है ये क्या है, टेरिडोफाइट की एग्जांपल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, उसका स्ट्रक्चर और डायग्राम है कि वो प्लांट कैसा दिखाई देता है। तो अब हम कह रहे हैं कि प्लांट जो है थ्री जो है पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है रूट, दूसरा होता है स्टेम, तीसरा होता है ये लीफ। तो इस तरह से हम प्लांट को इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो स्मॉल यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, रूट्स हैं या राइजोइड्स हैं। उसके बाद ये जो अंडरग्राउंड पार्ट दिख रहा है इसको हम कहेंगे राइजोम। तो ये जो राइजोम होता है क्या होता है, अंडरग्राउंड मतलब सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से फिर जो है लीफ हमको निकालते हुए दिखाई देती हैं। तो इस लीफ को कहते हैं ब्लेड। तो इस तरह से यहाँ पर जो पूरा लीफ स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं फ्रॉन्ट। तो ये क्या है, नेफ्रोलेपिस है, जिसको यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि रूट स्टेम और लीव जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट से कभी कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा तो उसका, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले इट इज़ यूज एज ए मेडिसिनल पर्पज। अब ये प्लांट ऐसे होते हैं कि उनके अंदर कुछ ना कुछ जो होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी ना किसी डिसीज़ को क्योर करने के लिए। तो जो इसको डिफरेंट साइंटिस्ट जो है इसको ये करके निकालते हैं कि इसके अंदर क्या मेडिसिनल वैल्यू है, मतलब इसको मेडिसिन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं या फिर उसके अंदर कुछ कंटेंट है क्या जिसको हम मेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इट इज़ यूज एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। अब ऑर्नामेंटल किसको कहेंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब जो गार्डन में ग्रो किए जाते हैं, ऐसे प्लांट जिनको हम क्या कहते हैं, गार्डन के अंदर ग्रो किए जाते हैं उसकी लीफ देखकर या उसके फ्लावर्स देखकर, ताकि वो आने वालों को खुशियां प्रोवाइड करे। तो ऐसे प्लांट जो ऑर्नामेंटल होते हैं तो इनके अंदर क्या क्या है, टेरिडोफाइट्स प्लांट्स भी जो होते हैं अक्सर गार्डन के किनारे पर ग्रो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इट इज़ यूज एज ए सॉइल बाइंडर। जैसा अभी हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था कि क्या करता है, ये सॉइल बाइंडर्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है।
तो इस तरह से यहाँ पर क्या करता है, ये सॉइल इरोजन को रोकता है। तो दिस इज होल अबाउट द टेरिडोफाइट्स।